अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। क्या डबल रोल करेंगी रवीना KGF 2 में? क्यों आत्महत्या करने की कोशिश की रवीना ने? अजय ने रवीना को क्यों कहा पैदायशी झूठी? आज हम बात करने वाले हैं KGF 2 में रमिका सेन की भूमिका में इंदिरा गांधी का रोल निभाने वाली रवीना टंडन के बारे में। फिल्म में रवीना इंदिरा गांधी की भूमिका निभाएंगी, लेकिन एक अलग नाम से। रवीना की भूमिका फिल्म में पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी दिखाती है कि फिल्म में जितना ज्यादा गैंगस्टर की भूमिका होगी, उतनी ही फिल्म में पॉलिटिकल कहानी भी होगी। रवीना ने अपने रोल के बारे में बात करते हुए कहा कि आने वाली फिल्म KGF 2 में वो हीरो और विलन दोनों है। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस बोली कि इस फिल्म में उनका रोल एक राजनेता का है, वो इस फिल्म की हीरो होने के साथ विलेन भी है। कहानी में कई रोचक मोड़ भी है। क्या आपको पता है जितना गंभीर रोल ये KGF 2 में करने वाली है, उतनी ही गंभीर रवीना अपने रिश्तों और किरदारों को लेकर है। रवीना ही वो शख्स है जिन्होंने प्यार में पढ़कर सुसाइड तक करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में ये पढ़ी, आपको बता दे वो कोई और नहीं बल्कि खुद अजय देवगन थे। एक ऐसा वक्त भी था जब अजय देवगन का नाम करिश्मा कपूर के साथ ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ भी जुड़ता था। कहा जाता है कि साल 1994 में अजय और रवीना के अफेयर की शुरुआत हो गई थी। दोनों की मुलाकातें फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान हुई थी। बताया जाता है कि रवीना और अजय का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी दोनों के बीच करिश्मा कपूर की एंट्री हो गई। बताया जाता है कि करिश्मा कपूर के लिए अजय ने रवीना को कई फिल्मों से भी बाहर करवाया है। वही एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने रवीना पर आरोप लगाते हुए कहा था कि खुद रवीना ने एक फिल्म प्रोड्यूसर से हीरो को निकालने की बात की थी, क्योंकि वो खुद अजय के साथ काम करना नहीं चाहती थी। बताया जाता है कि अजय से ब्रेकअप करने के बाद रवीना टंडन इस तरह से टूट गई थी कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी। वही सालों बाद जब इस रिश्ते को लेकर अजय ने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो उन्होंने कहा कि रवीना को इलाज की जरूरत है। रवीना ने जितने भी इल्जाम उन पर लगाए वो पूरी तरह से झूठे थे। ये नहीं अजय ने कहा था कि रवीना पैदायशी झूठी है। साथ ही अजय ने बताया था कि उन्हें कभी रवीना से प्यार ही नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है? वैसे तो ये पुरानी बात है, आज की तारीख में दोनों जुदा जुदा खुश है। खुशी से याद आया कि रवीना KGF 2 के अलावा रवीना लेखन में हाथ आजमा रही है। इन्होंने 4 शो पूरे कर लिए है, वो इन शोज को प्रोड्यूस भी करेंगी। अब ये शोज कब तक ऑन एयर होने वाला है, ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। फिलहाल तो रवीना की KGF 2 30 जुलाई को रिलीज होने वाली है। KGF 2 में रवीना के अलावा यश, संजय दत्त भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। आपको KGF 2 का कितना इंतजार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।